नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीवन कोश। टीवी की मशहूर एक्ट्रेस छवि मित्तल ने हाल ही में सोशल मीडिया पर खुलासा किया है कि वो ब्रेस्ट कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ रही हैं। छवि मित्तल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में एक पोस्ट भी शेयर की जिसमें उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में तो बताया ही है, साथ ही ये भी कहा है कि वो इस परेशानी से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। भारतीय महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत तेजी से बढ़ रही है। माना ये जा रहा है कि 2025 तक हमारे देश में ब्रेस्ट कैंसर के 16 लाख मामले होंगे। इसमें से ज्यादातर मामले 30 से 40 साल की महिलाओं में देखने को मिलते हैं। जब महिलाओं के ब्रेस्ट के सेल्स में कैंसर होता है तो उसे ही ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। पहले भारतीय महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के मामले कम आते थे, लेकिन अब इसमें लगातार तेजी देखने को मिल रही है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताते हैं कि कैसे कोई महिला खुद पता लगा सकती है कि उसके ब्रेस्ट में कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। वैसे तो डॉक्टर काफ़ी दबाव देते हैं कि सालाना तौर पर होमोग्राफी की जाए। ये भी बहुत ज़रूरी है कि साल में एक बार जांच हो ताकि डॉक्टर्स को ये पता चल सके कि अंदर कोई गांठ तो नहीं है। लेकिन इसके अलावा हर महिला को सेल्फ एग्जामिनेशन करना आना चाहिए। इसका सबसे सही समय पीरियड्स के 10 दिन बाद होता है। इसमें एक बार लेट कर या खड़े होकर अपनी उंगलियों से दोनों साइड के ब्रेस्ट को अच्छी तरह से चेक करना होता है, कहीं किसी तरह की गांठ तो नहीं बन रही। इसे रेगुलर करने पर कुछ गांठों को आप महसूस कर पाएंगे और इसे लेकर एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि ब्रेस्ट कैंसर को बहुत जल्दी पकड़ा जा सकता है। इसके इलाज पर समय, खर्च और अन्य तरह की परेशानियां भी कम हो जाती हैं और ब्रेस्ट भी पूरी तरह से हटाने की ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर से जुड़े ऐसे क्या मिथ हैं जिन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर हेरिडिटरी बीमारी है। अक्सर लोग स्तन कैंसर को हेरिडिटरी बीमारी मानते हैं, यानी ये परिवार में चलती है। हालांकि जिन लोगों में इस रोग की पुष्टि होती है उन अधिकांश लोगों में स्तन कैंसर का कोई पारिवारिक इतिहास नहीं होता। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की माने तो सामान्य आबादी में लगभग 13% महिलाओं में अपने जीवन के दौरान शायद ही कभी ब्रेस्ट कैंसर का विकास होगा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अगर आपकी जीवन शैली अच्छी है और आप शराब नहीं पीते तो क्या ब्रेस्ट कैंसर आपको नहीं होगा? देखिए, नियमित व्यायाम के साथ एक स्वस्थ जीवन शैली ब्रेस्ट कैंसर के जोखिम को कम करने में मदद कर सकती है, लेकिन ये कारक इस बात की गारंटी नहीं देते कि ये बीमारी दूर हो जाएगी। ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ लोग सब कुछ फॉलो कर रहे हैं और अभी भी उनमें स्तन कैंसर का निदान किया जा रहा है। ऐसे मिथ है कि ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा उम्र वाली महिलाओं को होता है। ऐसा नहीं है, ज्यादातर स्तन कैंसर के मामले 50 साल से अधिक उम्र की महिलाओं में पाए गए हैं, लेकिन ये किसी भी उम्र की महिलाओं को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा भारत में स्तन कैंसर का निदान बहुत कम उम्र के लोगों में हो रहा है, विशेष तौर पर 40 से 60 साल की आयु के बीच। ये सच है कि महिला होना और बढ़ती उम्र स्तन कैंसर के विकास के प्रमुख कारक हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उम्र बड़ी है तो ही कैंसर होगा। ऐसा कहा जाता है कि स्तनपान ब्रेस्ट कैंसर से बचाता है, पर एक्सपर्ट्स की माने तो स्तनपान कराने से इस बीमारी का खतरा कम तो हो जाता है, लेकिन ये इसे पूरी तरह से नहीं रोक सकती। इसीलिए किसी को भी स्तनपान के दौरान स्वयं की देखभाल की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और अपने स्तन स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। कई लोग तो ये भी मानते हैं कि गर्भ निरोधक गोलियां स्तन कैंसर का कारण बनती है। मॉडर्न गर्भ निरोधक गोलियां स्तन कैंसर होने के बढ़ते जोखिम से जुड़ी हुई नहीं है, क्योंकि उनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की कम मात्रा होती है। हालांकि एक स्टडी के मुताबिक 1 लाख से अधिक महिलाओं के एक अध्ययन से ये पता चलता है कि गर्भ निरोधक गोलियों से जुड़े स्तन कैंसर का खतरा वृद्ध महिलाओं में सबसे अधिक है। कई महिलाएं तो ये मानती हैं कि ब्रा पहनने से ब्रेस्ट कैंसर होता है, खासतौर पर अंडर वायर ब्रा पहनने से। स्टडी में किसी भी प्रकार की ब्रा पहनने और स्तन कैंसर के बीच कोई भी संबंध नहीं पाया गया है। स्तन कैंसर के किसी विशिष्ट ब्रा से जुड़े होने के मिथ का समर्थन करने के लिए कोई सबूत भी अभी तक नहीं है।
कई महिलाएं मानती है कि ब्रेस्ट कैंसर उन्हें होता है जिनके ब्रेस्ट बड़े होते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये मिथ एकदम गलत है। ऐसा नहीं होता कि जिनके ब्रेस्ट छोटे हों या बड़े हों उन्हें कैंसर हो। इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं आप घर रहकर भी हर महीने अपने ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकती हैं, और अगर आपको कोई भी अपने ब्रेस्ट में गड़बड़ दिखती है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जा सकते हैं और डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसे कई वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।